और अब टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता पश्चिम बंगाल के दीघा में हैं और दीघा से ही उनकी ये रिपोर्ट देखिए। समुद्र के जहां तक आप देख सकते हैं आपको धुंधला ही दिखाई देगा, इसका कारण समुद्र पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है जो कि धीरे धीरे तटीय इलाके पे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जितने सारे ट्रेन से सियालदह से उनको अभी रद्द कर दिया गया है कल तक, और फ्लाइट ऑपरेशंस में भी रेस्ट्रिक्शंस है, और जितने सारे दीघा स्टेशंस या तो फिर सियालदह स्टेशन जितने सारे स्टेशन हैं उनको वहाँ पे ट्रेन को सारे लॉक एंड की कर दिया गया है। हालांकि ये पारादीप या तो फिर धामरा पोर्ट के आसपास जैसे कुमार कंदन जी बता रहे थे वहाँ पे इसका लैंडफॉल हो सकता है, क्योंकि लेकिन दीघा ने इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स देखे हैं, आम्फान, आयला, यश, हुदहुद, बुलबुल, तो दीघा एक दहशत जो मेमोरी है उनका वो बहुत ही खतरनाक एक मेमोरी है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा बढ़ती गई है ताकि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो NDRF या तो प्रशासन यहाँ पे लोकल के जो प्रशासन है वो जल्द से जल्द व्यवस्था ले सके। जैसे जैसे लैंडफॉल का समय नजदीक आएगा हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, उसी के तहत इसका असर भी देखने को मिलेगा, यानी दाना का प्रचंड रूप अभी बाकी है। उड़ीसा में कैसी इसी को देखते हुए तैयारी, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 29 में से 14 जिलों में असर की बात कही जा रही है। 288 राहत टीमों की तैनाती को लेकर खबर है, 178 फायर ब्रिगेड की टीम्स को भी तैनात किया गया है, यहाँ तक कि 6000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं, 3000 पर्यटक पुरी से वापस भेजे गए हैं, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, यहां तक कि होटल बुकिंग भी कुछ दिनों तक के लिए रोक दी गई है। तटीय इलाकों को जिस तरीके से खाली कराया गया है उसी की तस्वीर कुमार कुंदन भी हमें दिखा रहे थे, और कुंदन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका लैंडफॉल के दौरान का असर, ये पूरा एक टाइम स्पैन क्या कैलकुलेट किया गया है, यानी कब तक कितने लंबे समय तक इसका असर देखने को मिल सकता है, और तेज हवाओं के साथ साथ बारिश। देखिए सुरभि, इसको समझना पड़ेगा कि किस समय, जो समय पहले हमें बताया गया था वो 12 बजे रात से लेकर तो 24 और 25 तारीख को 12 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय बताया गया था। अब ये निर्भर करता है कि हवाएं कितनी तेज रफ्तार से आती हैं, अगर धीरे रफ्तार से आई तो हो सके मतलब देर भी हो सकता है, लेकिन अगर तेज रफ्तार से आई तो ये प्री पोन्ड भी हो सकता है। जैसा कि बताया जा रहा है अभी तकरीबन 4 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में भी तेज हवाओं की वजह से हो सकता है। यही वजह है कि जो लास्ट मिनट का जो तैयारी है, ये देखिए आपको नाव की जो दृश्य है दूर से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अंतिम लास्ट मिनट जो कहते हैं वो तैयारी चल रही है, और पूरे जो जितने भी नाव हैं सबको यहाँ से खाली किया जा रहा है। अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को देख कर ऐसा लग रहा है कि संभव है कि रात के 8 बजे में ही ये लैंडफॉल हो जाए, और उसके बाद क्या किस वेग से टकराता है, कहाँ टकराता है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा सुरभि आपको कि देश के दूसरे इलाके और उड़ीसा में एक फर्क है, उड़ीसा के तटीय इलाकों में बात करें तो कच्चे मकानों की संख्या यहाँ ज्यादा है, इसलिए छोटा लैंडफॉल भी आए तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है, बशर्ते कि देश के दूसरे इलाकों में बड़ा लैंडफॉल आए और कोई कम नुकसान हो। जैसे कि अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में थोड़े समय पहले जब बिपरजॉय आया था तो वहाँ उस तरीके का नुकसान देखने को नहीं मिला था, जबकि वहाँ रफ्तार जो है 130 से 140 किलोमीटर की रफ्तार की थी। लेकिन संभावनाओं को देखते हुए ही तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है, और आपकी रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई है कुंदन। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ रोकूंगी, और प्लीज अपनी टीम के साथ आप एक सेफ जगह पर रहें, और सीधी तस्वीरें भी आगे हम देखते रहें।